हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू सिविल स्टेप तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जहाँ पे हम हर रोज हर सब्जेक्ट और टॉपिक के जो है आपके साथ करंट अफेयर्स जो है वो शेयर करते हैं एम सी क्यूज के फॉर्म में करेक्ट तो आज हमारी जो क्लास है आज हमारी जो डिस्कशन है इट परटेन्स टू स्कीम पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस ठीक है तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि स्कीम्स एंड पॉलिसीज से क्वेश्चन आते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से भी आते हैं करेक्ट तो स्कीम्स एंड से जो क्वेश्चन हैं उनका मैनर क्या है और वो किस तरीके से आ रहे हैं कैसे इवॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन उसमें और क्या क्या पूछा जा रहा है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अपनी तैयारी के साथ जैसे जैसे अपने क्वेश्चन के साथ बढ़ते जाएंगे हम वो उसमें और भी बेटर होते जाएंगे ठीक है तो अब बिफोर बिगिनिंग जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइफ पे दिख ही रहा है कि हम इसमें नाइन करंट अफेयर्स के जो है वो सोर्स कवर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ओवरऑल जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं हफ्ते के हफ्ते के दौरान उसमें हम ये सोर्सेज है वो कवर करते हैं अगर आप किसी एक इंसान को देखें जो प्रेपरेशन कर रहा है आप जैसे खुद कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारे नौ के नौ सोर्सेज इकट्ठे कवर करना इज इम्पॉसिबल अगर आप करेंगे तो आप यही करते रह जाएंगे फिर और कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसी आपकी समस्या को हल करते हुए हम आपके लिए एक ऐसी इनिशिएटिव लाए हैं जिसके अंदर हम सारे सोर्सेज जो है वो टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे सो so दैट आप अपना एक प्राइमरी सोर्स तो रखें अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं कुछ भी आपका प्राइमरी सोर्स है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेगा ठीक है ये उस एनालिटिकल स्किल्स को और कॉम्प्लीमेंट करेगा ठीक है उसमें और एडिशन करेगा आपका बेस जो है वो आप जब खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आएगा वो किसी और से या मेरे बोलने से या किसी और टीचर के बोलने से आप वर्ल्ड क्लास नोट्स पढ़ लें उससे भी नहीं आएगा तो एनालिटिकल माइंडसेट के लिए आपको खुद से जो है वो अखबार पढ़ना ही होगा करेक्ट तो आज जब हम स्कीम्स एंड पॉलिसीज करेंगे उसके अंदर हम लास्ट वीक जो थी हमारी उसके अंदर पीआईबी में जो है जितने भी स्कीम्स के बारे में मिनिस्टर्स ने बताया वो उस स्कीम्स को हम कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं ठीक है थीके? और बाकी की जो स्कीम्स हैं वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है वो अपनी क्लास बाय क्लास करते रहेंगे अभी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम ये देखें कि क्वेश्चन किधर से कैसे आ रहा है कैसे एक टॉपिक को देखना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है ठीक है तो क्वॉंटिटी से ज्यादा इस टाइम पे क्वालिटी पे फोकस कीजिए जिससे आपका एक बेस बनेगा डन तो ये हमारे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है क्या पढ़ेंगे और हम रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ेंगे तो अगर आप पिछले पांच सात साल के पेपर देखते आ रहे हैं तो आपको उसमें कुछ स्कीम्स की ब्रॉड हेडिंग्स दिख रही होंगी रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज की दिख रही होंगी और आपका जो क्वेश्चन है वो उसी के अराउंड जो है वो बिल्ट होता है ठीक है तो उस चीज को समझने के लिए आपको ये एक मैंने फ्रेमवर्क दिया है ठीक है इट इज द बेसिक्स ऑफ फ्रेमवर्क फॉर स्कीम्स कि स्कीम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां, -कहां से आते हैं करेक्ट तो सबसे पहले स्कीम से रिलेटेड मिनिस्ट्री कि किस मिनिस्ट्री ने वो लॉन्च किया स्कीम ठीक है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अब अगर आपको किसी स्कीम का एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव पता है आपको उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क पता है तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाली गई है आप वो भी जो है समझ सकते हैं वो भी आपके लिए इजी हो सकता है पर अगर आपको किसी किसी स्कीम का ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं पता यही नहीं पता वो क्या करती है तो आप वो नहीं निकाल सकते ठीक है तो इसीलिए आपको जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और मिनिस्ट्री जो है वो आप उससे ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं करेक्ट देन वी हैव एज लॉन्च क्या उसके लॉन्च से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या जो स्कीम है वो एक रिवैम्प्ड स्कीम है एक रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम है किसी पुरानी स्कीम की क्या उसकी कोई हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं या क्या उसका लॉन्च किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है ऐसा कोई अगर लॉन्च से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्ट या फिर फॉर देट मैटर की और वो किसी इम्पोर्टेंट ईयर में लॉन्च हुई थी आप हर स्कीम का जो है ईयर तो याद कर नहीं सकते हैं इट इज नॉट फीजिबल एंड नॉट इवन रेकमेंडेड बट कुट बट कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो होती हैं उनका आप जरूर कर सकते हैं करेक्ट देन वी हैव द थर्ड थिंग टाइप ऑफ स्कीम की दो टाइप की स्कीम होती है एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ की फंडिंग ठीक है तो ये कि scheme जो है वो, किस टाइप की है ये आप कहा जाता है थर्ड पार्ट नेक्स्ट वी हैव इज एजेंसी इसका क्वेश्चन आपको जो है आज एमसीक्यूज में भी एक दिखेगा जहां पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को लेते हुए एक क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है ठीक है देन वी है इसका एम क्या है और दूसरा इसी के साथ आ जाता है ऑब्जेक्टिव तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ की एम और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसमें क्या फर्क होता है तो लेट्स अगर एक बच्चा है उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड लेना है ठीक है हर स्कूल में हर क्लास में एक बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है वो अवार्ड दिया जाता है तो उस बच्चे को वो अवार्ड लेना है वो फर्स्ट डे से उसके दिमाग में तो ये उसका एम हो गया अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना है उसको वो अवार्ड लेना है फिर ऑब्जेक्टिव वो उस अवार्ड को लेने के लिए क्या क्या करेगा या करेगी वो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव टाइम पे स्कूल आएगा टाइम पे होमवर्क करेगा या करेगी क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो सब ऑब्जेक्टिव हो जाता है ठीक है तो अब एम क्या होता है आपका ब्रॉड फ्रेमवर्क ठीक है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेप्स तो क्वेश्चन में आपसे एम भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं ठीक है हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वहाँ पे और बेटर पता लग जाएगा नेक्स्ट है टारगेट्स क्या उस स्कीम के अंदर क्या कुछ टारगेट्स हैं हम इसमें भी आज एक आज की क्लास में क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं कि इस टाइम में इतना हमें करना है इतना हमें अचीव करना है ये स्कीम हमें ये अचीव करने में हेल्प करेगी विल सी अ बंच ऑफ क्वेश्चन एंड इट विल बी क्लियर टू यू देन बेनिफिशरीज वो स्कीम किसके लिए आई है किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के लिए किसके लिए है वो स्कीम ठीक है अगर कोई स्कीम है तो वो किसी स्पेसिफिक specific... ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल के लिए होगी तो वो होते हैं बेनि, वो होते हैं हमारे बेनिफिशरीज देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस स्कीम में आने का जैसे कि एनपीएस uh, का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं देन फंड्स उसको फंडिंग कौन कर रहा है क्या कोई इंटरनेशनल uh, ऑर्गेनाइजेशन uh, कर रही है या वॉल्ट्री है कैसी भी है जैसे भी अगेन फंडिंग अगर कोई फैक्ट बेस्ड fact है कुछ डिफरेंट इसमें कुछ है ठीक है तो ये वाला नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इफ एनी बहुत सी स्कीम्स होते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी हो जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तो इफ़ नॉट इन एवरी स्कीम बट जहां जहां भी होगी ठीक है तो ये था हमारा ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ स्कीम्स आप खुद से भी जब कभी कोई स्कीम पढ़े तो आप Uh, इन्हीं लाइंस पे पढ़े और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देखें तो इन्हीं लाइंस पे जो है वो लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और आपसे सॉल्व भी हो रहे होंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा फ्रेमवर्क आता है हाउ एंड व्हाट टू स्टडी अबाउट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस अभी तक हमने स्कीम्स का करा था हाउ एंड वॉट अब हम हाउ एंड वॉट करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का तो सबसे पहले रिलीज बाय की रिपोर्ट जो है वो रिलीज किसने की है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज एनुअल है बाय एनुअल है कितनी बार कब कब रिलीज होती है राइट right? देन किस लिए लॉन्च की गई है करती क्या है वो रिपोर्ट बताती क्या है वो ठीक है और इट देन इंडिकेटर्स एंड उसके अंदर क्या इंडिकेटर्स है और क्या उसमें डिमेंशन यूज की गई है कोई भी रिपोर्ट है या इंडस्ट्रीज है तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते होंगे ना चीजों को मेरिट बनाने के लिए या उनको एनालाइज करने के लिए तो वो इंडिकेटर्स एंड डायमेंशन क्या है वो भी आपका रिपोर्ट्स इंडेक्सेस में आते हैं। ठीक है? कि रैंकिंग्स और इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग इन केस ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशन नेशनल रिपोर्ट्स होंगी या इंटरनेशनल होंगी ठीक है आज की क्लास में हम नेशनल देखेंगे जब कभी इंटरनेशनल आएगी तब हम इंटरनेशनल भी देखेंगे तो जो नेशनल आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर तो आप देखेंगे टॉप में कौन सा स्टेट है जैसे आप इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधा स्टेट के कंपैरिजन पूछे जाते हैं राइट और इंटरनेशनल हो तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स का ध्यान रखना और ये जो रैंकिंग्स हैं और फिर रिकमेंडेशन अगर कोई है मेन्स के लिए तो रैंकिंग्स और ये सब आप अपने मेन्स में भी यूज कर सकते हैं अगर आप कोई रिपोर्ट कोट कर दें आप कोई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कर दें आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के रैंकिंग इंडिया की मेजर कर दें तो आप उससे अपने आंसर को सबस्टैंशिएट कर सकते हैं ठीक है आप उससे अपने आंसर को अच्छा दिखा सकते हैं बता सकते हैं कि आप एक आपके पास एक फुल प्रूफ रिपोर्ट है आपके पास एक स्टैटिस्टिक है जिससे आप ये चीज कह रहे हैं आप खुद से नहीं बोल रहे हैं ठीक है ये थोड़ा मीन्स का पार्ट हो जाता है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू हेयर कि आप प्रिल्स और मीन्स

क्लियर कराने में हेल्प कराएगा ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन तो जो है सो है बट जो एनालिटिकल माइंड सेट है वो आपका तभी आएगा जब आप मेन्स के परस्पेक्टिव से एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ हमने स्कीम्स का देख लिया क्या पढ़ना है और हमने रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का देख लिया और आज के हमारे जो ब्रॉड क्वेश्चन हैं वो इन्ही टॉपिक से हैं ठीक है और मोस्टली सारे पी से लिए गए हैं लास्ट वीक में जो मिनिस्टर्स ने इंफॉर्मेशन दी स्कीम्स के रिलेटेड ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट प्रोग्राम तो जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो इसकी जो डिटेल्स है ना ऑफ लॉन्च या टारगेट्स या जो भी इसमें जो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम ठीक है तो पहली लाइन देखते हैं हम क्या कहती है पहली लाइन कहती है आ ना पे जो आपको मैंने पीछे हेडिंग दी थी बेस इंपेरिजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो इसके अंदर आपके ये की आ गए हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इट कवर्स नॉन अटेनमेंट सिटीज ठीक है वेयर इन नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज एक्सपीडेड फॉर सेवन कंजेक्टिव इस तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जो कि डेटा लेडन है तो आपको वहां पे थोड़ा चौकन्ना हो जाना है वहां पे आपको अंडरलाइन कर लेना है वहां पे आपको सर्कल कर लेने है, वो फैक्ट्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं और उनको थोड़ा ध्यान से देखना है अब क्योंकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और ये बहुत टाइम से करंट की तो क्या ये कंटेम्पररी स्कीम है ठीक है इट्स बीन द न्यूज फॉर पास्ट वन टू थ्री ईयर्स ठीक है तो और आए दिन ये न्यूज़पेपर में आती रहती है आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आता रहता है तो ये कोई बहुत ही नई या कुछ अलग सी चीज़ नहीं है तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको पता होगा कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यही इसका टारगेट है और इसी साल तक अचीव करना है ट्वेंटी तक ठीक है तो ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन स्कीम का नेक्स्ट वी हैव कि इसकी कवरेज इसमें क्या आता है कि वो बोल रहे हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कवर करता और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी होती है जिनका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है इज एक्सीडेड फॉर सेवन कंजेक्टिव ईयर्स ठीक है सात साल तक तो ये फैक्ट जो है गलत है आपका ये सात नहीं पाँच साल है तो इसी से आपका जो आंसर हो जाता है वो है ए ठीक है तो ये था आपका एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे क्वेश्चन जिसमें आपसे टारगेट पूछे गए और जिसमें आपसे जो वो सिटीज कवर करता है उसके बारे में एक फैक्ट पूछा गया फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए थी क्योंकि एन का ये टारगेट है एनसीएपी पी इम्पोर्टेंट स्कीम है दूसरा अगर आपको नहीं भी पता था तो आप अब ये सीख लो अभी आप याद रख लो ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सोर्स पी में आया था अठारह जुलाई को पूरा इसी हेडिंग से ही आया था और इसके बारे में क्या क्या जो एक्शन वगैरह जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी थी वो दी गई है ठीक है नेक्स्ट अब इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन देखते हैं अबाउट नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान तो सबसे पहले मिनिस्ट्री एंड लॉन्च तो एम ओ ई एफ सीसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन जनवरी ट्वेंटी एज अ लॉन्ग टर्म नेशनल टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी मेकिंग एफर्ट्स टू डील विद एयर पोलूशन प्रॉब्लम तो एयर पोल्यूशन को डील करना अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है मिटिगेशन एक्शन देखा वर्ड आ गया ना जब मैंने आपको बताया था स्टेप्स एंड लिए जाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगा तो ये इसका ऑब्जेक्टिव आ गया ठीक है नेक्स्ट टारगेट जो हम पीछे देख चुके हैं कवरेज नॉन अटेनमेंट सिटीज जो अपने एन ए ए क्यू एस स्टैंडर्ड्स को पिछले पांच साल से जो है वो एक्सीड करते जा रहा है क्वेश्चन में हमने इसको रिप्लेस कर दिया था सात से जिस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी ठीक है देन वी हैव अ Pre, अब देखो ये एक इन्फॉर्मेशन थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम इसी के आसपास आपका क्वेश्चन बनाया गया अब आप एक स्टेप आगे जा सकते हो जब आप इसके बारे में खुद से गूगल पे सर्च करके पढ़ेंगे आप खुद से देखेंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है कि ठीक है क्योंकि जब खुद से सर्च करके पढ़ेंगे खुद से मेहनत करके करोगे इट कैन नॉट बीट एनी ठीक है क्योंकि वो आपका दिमाग खुद से चल रहा है वो खुद से रिसर्च कर रहा है ठीक है तो प्लीज डू दिस थिंग अब इसी से मिलता जुलता एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आया था यूपीएससी सी एस का क्वेश्चन है अब ये मैं आपको क्यों दे रही हूँ ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ जस्ट टू शो यू कि प्रेपरेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रख के होनी चाहिए करेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो सिंक में होना चाहिए यूपीएससी की एवोल्यूशन के और जो यूपीएससी अब तक करते आ रहा है तो उसी का रेफरेंस देते हुए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है जो कि था आपका प्रधानमंत्री

अगेन की कवर क्या करता है ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन जो उससे मिलता जुलता है अब जितने भी इस आज की क्लास में मैं तीन चार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे का रेफरेंस दूंगी तो उनके आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे इसका क्या आंसर है आप नीचे मुझे बताएंगे ठीक है आप इसका क्वेश्चन नंबर वन का ही लिख देना क्योंकि वन का ही पार्ट है ये तो जो भी इसका आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में देंगे तो इसी के साथ क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर जो स्कीम्स के और इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर

करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है करेक्ट या नॉट करेक्ट पूछी है तो यहाँ पे आपसे बड़ी सरल भाषा में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो पहला इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेकेंड इट इज री स्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ स्वर्ण जनतीय ग्राम स्वरयोग योजना देन इट हैज बीन सेटअप डेडिकेटेड डेडिकेटेडिटिव सपोर्ट यूनिट एट द नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ये इसकी स्ट्रक्चरिंग पे बात है

और अगर मैं देखूं कि मुझे ये भी नहीं पता अब मुझे ये भी नहीं पता ये तो मैंने चलो एलिमिनेट कर दिया कि ये आंसर नहीं हो सकता कि ये कहीं कही ना कहीं इसके साथ जा रहा है बट अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा हिंट दिया है ठीक है अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो भी आंसर निकाल सकते हो इफ यू डू नॉट नो एनी अगर आप ये वाला रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि अच्छा मैं इसको लिंक करके या मैं थोड़ा एनालाइज uh, करके इसको छोड़ दूँ Uh, तो आप ये वाला रिस्क भी नहीं लेना चाहते ना और चारों में से गलत स्टेटमेंट बताना चाहते हो तो उसके लिए भी एक हिंट दिया और वो हिंट क्या है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्यों नहीं देखेगी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को ठीक है तो यहीं पे आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैच ऑफ द कीवर्ड तो इसका आंसर इसी के साथ हमारा क्या है ए ए इज नॉट करेक्ट तो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी आपको क्वेश्चन में एक हिंट मिल गया और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो ऐसे ही यूपीएससी आपको क्वेश्चन में हिंट छोड़ती रहती है अब वो हिंट को आप कैसे समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो आपको तभी पता लगेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और आप और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे और वो हिंट का मतलब सिर्फ तुक्का नहीं होता उसका मतलब होता है एक एनालिटिकल माइंड और एनालिटिकल माइंड जो है वो आपका एक होलिस्टिक पढ़ाई से ही आएगा ठीक है तो इसी के साथ पीआईबी का ये सोर्स जहां से क्वेश्चन आया था अठारह जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके बारे में नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट इसका जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो सबसे पहले इसका जेनेसिस कुछ स्कीम्स होती हैं जिनका जेनेसिस भी होता है इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पीछे से ही कोई स्कीम आ रही होती है और उसकी ही जो है आगे उसकी कॉन्टिन्यूएशन में होती है तो द स्वर्ण जनतीय ग्राम स्वरा स्वरोजगार योजना एस जी एस वाई वॉज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूल डेवलपमेंट इट वॉज स्टार्टी एंड रीस्ट्रक्चर्ड इन फाइनेंशियल ईयर दो हजार दस ग्यारह फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज नेशनल लाइवलीहुड मिशन ठीक है तो उसका क्या एम था जो हमारी स्वरण जयंती ग्राम स्वर्याग योजना है एम डेट प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल इनकम टू रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड थ्रू इनकम जनरेटिंग एसेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दॉवर्टी तो अब जो हमने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसकी मिनिस्ट्री क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसका एम जो है वो रूरल हाउस होल्ड को इम्प्रूव करना है ठीक है तो इसके बाद हमारा इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से चलता है तो बिफोर मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हम जो भी स्कीम्स करेंगे क्लास में हम जो भी रिपोर्ट्स एनालिसिस करेंगे उसका जो प्राइमरी सोर्स रहेगा वो हमारा पीआईबी रहेगा और दूसरा जो हमारा प्राइमरी सोर्स रहेगा वो उस स्कीम की जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट रहेगी तो ये जो स्ट्रक्चर लिया गया है ये मैंने खुद से नहीं बनाया या मैंने कहीं गूगल सर्च से नहीं लिया है ये मैंने स्कीम को जाके गूगल पे सर्च किया स्कीम का जो होम पेज आया मिनिस्ट्री पे वहीं से लिया है और और भी जो इन्फॉर्मेशन हम आ, आने वाले क्वेश्चंस में आप तक देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से ली गई है तो अगर आपको कोई डाउट लगता है आप हमें बताइएगा हम उसको ऑल्टर कर देंगे बट एक बार जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज वहां पर भी चेक करना ठीक है नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो अगेन ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन तो अगर आपको स्कीम्स का फ्रेमवर्क याद है जो ओरिजिनली बताया था तो उसमें एक चीज थी कि ऑब्जेक्टिव पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव है ठीक है तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन वैसे तो न्यूज में काफी रहा है मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा बट स्टिल लेट्स गो थ्रू दी ऑब्जेक्टिव एंड सी की आंसर क्या है तो फर्स्ट वो कह रहा है टू इनहस प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवीन्स एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन अ सस्टेनेबल मैनर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी ठीक है टू इनहस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रीडिंग नेटवर्क एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसिज एट फार्मल डोर ठीक है दैन थर्ड है टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफ़लो रेरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक नहीं पढ़े तो हो सकता आप हो जाओ क्या को कर रहा है क्या आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन की बात कर रहा है तो देर इज द चास्ट दैट यू माइट गेट कंफ्यूज बट मूविंग विदर इट इज डी यानी कि आपकी तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक दिए गए हैं करेक्ट तो अब साथ में ये सोर्स आपका कि में किधर आया था देन अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है तो इसकी मिनिस्ट्री है फिशरीज एनिमल एंड डेयरिंग तो कई बार ना आप कह, इन टॉपिक्स में आप ऐसी स्कीम्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसकी मिनिस्ट्री ये है या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है तो थोड़ा सा टैप रखना ठीक है कंफ्यूज मत हो जाना और इसका ये वाला जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डरिंग का वो इसे देखता है अब इसका एम क्या है देखो एम अलग से दिया जाता है स्कीम का ऑब्जेक्टिव अलग से दिए जाते हैं एम है कि वो ब्रॉड सेंस में अचीव क्या करना चाहता है और ऑब्जेक्टिव है कि वो स्टेप्स क्या लेगा उस एम को अचीव करने के ठीक है तो इसका एम है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोबीन ब्रीज तो अगर आपको यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के वर्ड टू वर्ड ना भी पता होते पर आपको ये पता होता है इंडिजिनियस ब्रीड्स को प्रमोट करता है तो आप ये तो श्योरटी से कह सकते थे कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है ठीक है तो दिस इज हाउ यू रिलेट जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ बोवीन पॉपुलेशन एंड एनहैंसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवींस देयर बाय मेकिंग डेरी मोर रेनिटिव टू द फार्मर्स

अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ना आपने नहीं सुनी तो मत्स्य तो फिश होती है ये आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा अपनी हिंदी जब आपने पढ़ी होगी तो मत्स्य फिश से रिलेटेड होता है तो लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट्स इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं तो पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं क्या है विट इज फर्स्ट इज इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ठीक है इन all states and union territories for a period of 5 years from financial year 2021 to 2024 and 5 its objective to duration aa gaya ye objective aa gaya is to harness potential of fishery sector in a sustainable responsibly, inclusive and equitable manner to ye jo objective hai ये इसके साथ कहीं ना कहीं जा रहा है तो so, there is the probability कि ये ठीक होगा ठीक है Next हमारे पास आ जाता है target पे question ठीक है जैसे इसका target क्या है

18 से लेके 24 तक इतने से साल में ठीक है पांच छह साल में आप 7.2.8 से लेके, आप 30 परसेंट तक कैसे जा सकते हो? एग्रीकल्चरल जीवीए हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि आप चार पांच साल में या पांच छह साल में आप 7.2.8 से लेके 30 परसेंट पे जाओ इट्स नॉट पॉसिबल ये टारगेट आपको यहाँ गलत दिया गया है सही टारगेट हम आगे देखेंगे बट ये चीज आप लॉजिकली सोचो अगर आपको ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता ये तो चलो इससे रिलेट करके सेकंड स्टेटमेंट आप मान सकते हैं कि सही है बट अगर आपको ये इनका नहीं भी पता आपको मत से नहीं पता मछली होती है पता ही नहीं कि फिशरीज के लिए आप ये वाला देखो ना कि इतने इतना ज्यादा हाई जम्प कैसे हो सकता है नॉट पॉसिबल तो जहां जहां तीन है उसे हटा दो आंसर उससे आ जाएगा ठीक है तो ये था आपका मत्स्य संपदा योजना और आपको थोड़ा क्लियर भी हो गया तो ये था आपका सोर्स कैसे आया था ये न्यूज आपके में में नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो सबसे पहले मिनिस्ट्री इसकी और डिपार्टमेंट जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन सब स्टेट्स में होगा पांच साल के लिए होगा फिर ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव है हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ फिशरी सेक्टर इन सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर ठीक है इनहैंस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन इंटेंसिफिकेशन डायवर्सिफिकेशन प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वॉटर मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फिश एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डबल फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इनकम एंड जनरेट मीनिंगफुलहैंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज सेक्टर टू एग्रीकल्चरल जीवी एंड एक्सपोर्ट्स इंश्योर सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फिशर एंड फिश फार्म बिल्ड रोबोर्स फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो ओवरऑल जो फिशरीज सेक्टर है उसके लिए ये स्कीम है ओवरऑल फिशरीज सेक्टर अब हम एक और चीज यहां पे इस क्वेश्चन में सीखते हैं उस स्कीम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि प्रिलिम्स को मेंस के साथ कैसे लिंक किया जाए ठीक है इस स्कीम को एग्जाम्पल लेते हुए हम देखेंगे तो अगर आपने प्रधानमंत्री मात्स्य संपदा योजना पढ़ी है आप उसे मेंस में किस चीज के साथ रिलेट कर सकते हो आप उसे ब्लू रेवोल्यूशन के साथ रिलेट कर सकते हो ठीक है अगर आपका एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आए ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड तो वहां पर आप इस स्कीम के बारे में जरूर मेंशन करोगे ये आपके स्टैटिक आंसर को एक करंट ओरिएंटेशन देगा ठीक है एक करंट टॉपिक की ओरिएंटेशन देगा जैसे हमने अभी डिस्कस uh, किया था कि कैसे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस मेंशन कर सकते हैं वैसे ही आप स्कीम्स भी तो मेंशन कर सकते हैं और स्कीम्स किसी पर्पस के लिए हैं बस आपको ये अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करना है कि कौन सी स्कीम को सिलेबस के किस टॉपिक के साथ आप रिलेट कर सकते हो जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आप ब्लू रेवोल्यूशन के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं करेक्ट स्कीम टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रूटेनेबल एंडलमेंट ऑफ फिशरी और फिर ये आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात तो जब भी ब्लू रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि हमारे देश में जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसको भी एक्शन में लाया जा रहा है उसमें भी काम किया जा रहा है फॉर द ओवरऑल इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर सो दिस इज हाउ यू लिंक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम वो देख लेते हैं तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड आप देख लो क्या दिए इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन से तो वो नाइन परसेंट था जो हमने पीछे थर्टी गलत कर दिया था इट वॉज नाइन तो देखो सेवन पॉइंट टू एट से नाइन तक जाना तो इज क्वाइट रिलेटेबल ठीक है थोड़ा समझ की बात है बट थर्टी तो इज लाइक टोटली अ ब्लंडर तो वो तो आपको कैच करनी थी वो गलती वहां पे ठीक है देन इनहैंसिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसकी बात की गई है तो ये कुछ टारगेट्स तो आप, आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का होम पेज जाके खोलेंगे और अबाउट द स्कीम पढ़ेंगे ना तो वहीं पर आपको ये सब दिखेगा एग्जैक्टली exactly वहीं से उठाया ये ठीक है देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज स्वमित्व स्कीम ठीक है उसने आपको स्कीम दी

इन चारों में से जो आंसर है वो निकालने में आपको एक हेल्प हो जाए ठीक है तो इसी तरह यूपीएससी भी आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन में थोड़ थोड़े थोड़े थोड़ा आपको थोड़ा लॉजिक देता है आपको सा वो सपोर्ट देता है तो आप वो समझने की कोशिश करो इसे अब पढ़ लोगे कि अच्छा स्वमिता स्कीम यही और घबरा जाओगे तो फिर नहीं चल पाएगा ठीक है तो इसी के साथ इसका आंसर जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स इन हाउसेज इन इनहेबिटेड एरिया इसी से आपका जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आ जाता है तो इसमें ये आया था आपका सोर्स था एंड देन स्कीम के बारे में अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम हमने पढ़ा दो टाइप की स्कीम्स होती है देन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने की थी 24th अप्रैल 21 को की थी देन इसका एम क्या है हम पीछे देख चुके हैं स्कीम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज के बारे में ठीक है तो प्रॉपर्टी राइट्स को जो इनहेबिटेड uh, एरियाज में उनसे रिलेटेड है ठीक है तो ये एक ब्रीफ सर फ्रेमवर्क अबाउट दिस स्कीम अब इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो The the scheme is implemented with collaborative efforts of the Ministry of Ministry Panchayati State Revenue Department, State Panchayati Raj Department, and Survey of India. ठीक है तो उसके बाद एस्पेक्ट कवर जो है वो इतने सारे विलेजेस कवर करना चाह रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट है आपको आपको याद नहीं करना है ठीक है जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है ये अब मल्टी फेरियस एस्पेक्ट कवर करती है जैसे कि फैसिलिटेटिंग monetization ऑफ प्रॉपर्टीज एंड enabling बैंक लोन

हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे ठीक है तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव है आप इसके अच्छे से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है बेसिकली राइट टू लैंड जो है विलेजेस में उसके बारे में ठीक है तो क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स

क्या कौन कंसिस्टेंट इंक्रीज हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ में इस पीरियड में ठीक है क्या महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे और कर्नाटका में रूरल रोड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क है अब दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपको आता है तो करो नहीं आता है तो मत करो छोड़ दो ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं और इसमें गलती करने की जो है अगर नहीं आता तो गलती करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं ठीक है थीके? तो इफ यू डू नॉट हैव एनी है अबाउट सच क्वेश्चन लीव ठीक है देर नो हार्म तो जी इसका अगर मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पे नेशनल स्टेट एंड रूरल रोड ज्यादा है तीनों ठीक है नेशनल स्टेट एज वेल एज रूरल तीनों की तीनों जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है कर्नाटका नहीं है या महाराष्ट्र ही है तो इसी के साथ हमारी तीसरी स्टेटमेंट हो जाती है गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है है वो सही सही भी है तो आंसर हो जाता है आपका ए ए ठीक है देखते हैं इज द आंसर करेक्ट तो इसके साथ अब इस रिपोर्ट के बारे में हम कुछ देख लेते हैं रिलीज बाय तो आपका क्वेश्चन में ही दिया गया था कि क्या है तो एनुअल पब्लिकेशन ऑन द रोड सेक्टर ब्रॉड बाय ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज

पंचायत रेलवे फॉरेस्ट एक्सेट्रा ठीक है तो उसके बाद इसके आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड तो इस रिपोर्ट के अंदर जो आपको बहुत सारे कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड हैं तो हम सारे तो डिटेल में नहीं देखेंगे आप वो देख सकते हो खुद से मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया जो क्वेश्चन की डिमांड में था सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द रोड इन द वर्ल्ड फिर कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स फिर कितनी इंक्रीज हुई है वो बता रखा है फिर उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट की बात की गई है फिर उसके बाद ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है इट्स टू रेलवे शिपिंग एंड एयर ट्रैफिक ये तो हमें पता ही है ठीक है अगर हमें फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट तक तो रोड पर ही जाना होगा ठीक है तो इस तरीके से फीडर की तरह एक्ट करता है नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल हाईवेज की नेशनल हाईवेज क्या है रिपोर्ट्स आल्सो रिपोर्ट आल्सो रिवील दैट नेशनल हाईवेज जो है वो टोटल रोड लेंथ जो है वो उनका इतना नेटवर्क है ठीक है और सबसे ज्यादा कहा है महाराष्ट्र में फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश है राजस्थान फिर स्टेट हाईवेज की बात करता है कि 2.8 परसेंट जो है वो स्टेट हाईवेज है और सबसे ज्यादा कहा है महाराष्ट्र में फॉलोड बाय कर्नाटका गुजरात राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ठीक है फाइव स्टेट जो है ये फिफ्टी ऑफ द स्टेट हाईवेज है देन रूरल रोड्स के बारे में उसने बोला कि सेवेंटी वन पॉइंट फोर परसेंट तो सबसे ज्यादा नेटवर्क किन रोड्स का है रूरल देन स्टेट देन योर नेशनल ये देखो पीछे जीरो नाइन टू पॉइंट एट ठीक है और ये सेवन पॉइंट वन फोर और सबसे ज्यादा कहा है महाराष्ट्र में फॉलोड बाय असम बिहार उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश और ये पांच स्टेट जो है ये 42.4% ठीक है, है, तो तो अगर आपको infrastructure का, का question आता है, तो आप ये कहीं कहीं ना कही, किसी ना किसी किसी फॉर्म में जो है वो दे सकते हैं। अब UPSC Prelims 2018 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था इससे मिलता जुलता सा तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं एज पर दस ऑफ सेवेंटी सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको ये एक असेसमेंट दे दिया और किसने दी असेसमेंट ये दे दिया और उसमें तीन स्टेटमेंट दे दी पहली दी राजस्थान हैज द हाईस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड

तो इससे आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस हो जाएंगे नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ई उठान पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसने ई उठान पोर्टल दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उसका पर्पस पूछा है चार दे दिए पर्पस और क्या है इनमें से इसका कौन सा है पहले हम फटाफट से एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं First is providing technical and financial as assistance to women-led startup in India and encouraging fundraisers for them. Next, I capturing online data based on allocation of funds that has been allocated under schedule cast sub plan from various ministries departments on the financial, physical and outcome based monitoring indicators. Fifth, third capturing the data and maintaining records of infrastructure developments in villages. So, infrastructure development in villages.

अब हम ई उठान पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं इसी के साथ आपका एक होमवर्क है आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है ठीक है डू टेल मी तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क प्रोवाइड बाई आयोग अब अगर आपको ई उठान पोर्टल दिया गया होता उसमें बता दिया होता कि वो ट्राइब शेड्यूल जो प्लान है शेड्यूल कास्ट का प्लान है उसके लिए और उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है तो अगर आपको पता हो कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो इनिशियटिव एक्शन लिए जाते हैं वो मोस्टली इफ नॉट ऑलवेज मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लिए जाते हैं तो आपको मिनिस्ट्री भी पता लग गई दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल और होलिस्टिक पढ़ाई ठीक है तो इसका पर्पज़ क्या है जो हमने पीछे पढ़ा है exactly एग्जैक्टली वही है इसका पर्पज नेक्स्ट वी कम टू अब यूपीएससी पी 2016 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ऑफ उदय अ स्कीम गवर्नमेंट सेम लाइंस पे क्वेश्चन है आपको uh, एक स्कीम दे दी है वहां पे मैंने पोर्टल दिया था और उसका पर्पस पूछा है सेम मैंने भी आपसे पर्पस पूछा था ठीक है ये चार दिए गए हैं इसका भी आंसर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे ठीक है तब तो तक हमने तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और हमने देखा कि उसमें से किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और अगर आपने क्लास के क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे तो आप थोड़ा समझ पाओगे कि किस तरीके से हम आपकी प्रेपरेशन को अलाइन करने में हेल्प कर रहे हैं करेक्ट नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर एट Which which is, which of the following Indian beaches have been conferred इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अब हमारे पी आई बी में blue ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए आया था और कुछ इसमें दस जो है आपकी बीचेज हैं इंडिया की और उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है वो बीच ठीक है uh, कौन सी इसमें से beaches वो हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टेन्थ beaches में आती हैं ठीक है तो अगर आप देखो तो ऑप्शन बीच कसारगोड बीच वर्कला बीच कोवलम बीच एंड ईडन बीच तो इसमें से अगर आप देखो तो आपकी थर्ड वाली जो है ना वो नहीं है तो इससे आंसर जो आपका वो डी हो जाता है ठीक है बहुत ही फैक्चुअल है पता है तो कर सकते हो नहीं पता तो नहीं कर सकते बट आई एम होपिंग कि आपको पता हो क्योंकि दस ही बीच हैं तो आप

टेगरी वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते आ रहे हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन था क्वेश्चन तो स्कीम में से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेमवर्क दिखाया था उसमें से आएंगे ही आएंगे पर इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना वो आपके डिराइव्ड क्वेश्चन होंगे हम एक और इनडायरेक्टली डिराइव क्वेश्चन देखेंगे अभी उ की स्कीम्स में से एक स्टेप हेड जाके भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विद रेफर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधिंग स्टेटमेंट अगेन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन इट हैज बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है द स्कीम इज अवेलेबल फॉर बेनिफिशरीज बिलोंगिंग to only those states and UTs which have a oh, notified rules change under street vendors act 2014 vendors availing loan under the scheme are eligible to get interest subsidy at 7 percent ठीक है अब देखो कोई भी जो schemes वगैरह होती है ना आती है वो किसी ना किसी act के लिए आती है किसी act को implement करने के लिए किसी act को aid करने के लिए ठीक है क्या किसी act के अंदर आती है तो दे इज द प्रोबेबिलिटी की अगर ये 20, आपको पता है कि स्ट्रीट वेंडर्स ट्वेंटी फोर्टीन की एक्ट है तो दे इज द प्रोबेबिलिटी की ये ठीक हो ठीक है नेक्स्ट है कि अब ये आपको पता है कि नहीं पता है यू डू नॉट नो ठीक है फिर इट हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यू डू नॉट नो तो अगर मैं मान के चलू कि दो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है तो मैं ये वाला हटा सकती हूँ बट अगेन मुझे नहीं पता कि ये ठीक है कि ये नहीं है तो अब देखो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों निकालेगी वाई वुड इट डू ठीक है तो अगर आप ये थोड़ा सा लगा लो आई नो इट्स डिफिकल्ट ऐसे आंसर पता होने पे बताना इज़ आसान बट अगर ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा आप नहीं सोच पाते हैं तो अगर आप ये रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि अगेन इट्स वेरी फैक्चुअल तो इसका आंसर जी हमारा डी है टू एल्ड थ्री हुँदी. ये दो ठीक है ये गलत है ठीक है तो ये न्यूज आपका पीआईबी का सोर्स और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ठीक है देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल अप टू टेन थाउजेंड इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट टू रिबॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन स्कीम विल हेल्प फॉर्मलाइज स्ट्रीट वेंडर्स विद अब ऑब्जेक्टिव एंड विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज टू दिस सेक्टर टू मूव अप द इकोनॉमिक लैंड ठीक है नेक्स्ट वी हैव इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है States and की कि उनको इस act के अंदर होना चाहिए ठीक uh, है फिर इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है ऊपर था इट ऑल्सो स्कीम आल्सो फैसिलिटेट्स ऑन बोर्डिंग ऑफ बेनिफिशरी स्ट्रीट फूड वेंडर्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्व देयर कस्टमर्स ऑनलाइन ठीक है तो डिजिटली भी जाने की उनको कर रहा है देन वी हैव इज विद रेफरेंस टू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अब पी आई बी में बहुत सारी इनकी इन्फॉर्मेशन थी जो मिनिस्टर्स ने दी थी तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतनी सारी स्कीम्स एक जैसी आ रही है बट इट्स ओके वी हैव टू कवर ठीक है आप आ, हो सकता है जब आ, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना आए तो उस टाइम पे स्कीम्स थोड़ी कम हो या इतनी ओवरवेलमिंग ना लगे बट अगर आपको भी लग रहा है तो आपको समझना होगा कि अगर इसकी बात की जा रही है पी में इसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है आप इसको छोड़ नहीं सकते ठीक है तो सबसे पहले दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है अगर आपको पता है आत्मनिर्भर की बात कोविड नाइनटीन के दौरान हो रही थी तो यू कैन गेट थ्रू कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है नेक्स्ट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको बताया था ना इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पे क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा फॉर द स्कीम इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया लिख लो यहाँ ठीक है हाँ? तो इसकी एलिजिबिलिटी कहा गया तो इसकी ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है ना ये भी गलत है और इसलिए इसका आंसर जो है ना वो ए है सिर्फ वन ओनली जो है वो करेक्ट है लेट क्विकली गो थ्रू द तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च की बात है पर्पस आत्मनिर्भर भारत के लिए और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ई ठीक है वहां पे आपको इडाई दिया गया था वो गलत है एंड नेक्स्ट है कि हु वॉज नॉट वर्किंग इन एनी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे था ना हु वॉज वर्किंग यहाँ पे हु ठीक है वो आ जाता है इधर ठीक है फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ इयर्स इज क्रेडिटिंग बोथ शेयर ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है ठीक है आप ये पढ़ सकते हैं ये भी आपकी इसी का पार्ट है नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच इज अब आपके पीआईबी में देखो कैसे दिया गया था ये आपको आंसर देगी सॉरी तो वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया था और उसमें ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल या जैसे भी हैं वो Uh, जो है वो पाइपलाइंस जो है वो उनका नाम दिया गया था तो अगर हम यहाँ पे आपको चार पाइपलाइन दी गई है और उनकी लोकेशन दी गई है अब ध्यान से सुनो ये वाला भी जो है ना इनडायरेक्टली डिराइव्ड क्वेश्चन है ठीक है इट इज एन इनडायरेक्टली डिराइव्ड क्वेश्चन आउट ऑफ अम ग्रेड वन प्रोजेक्ट जो है वो उससे लिया गया है। तो अब दहेज उड़ान पनवेल ढबोल गुजरात महाराष्ट्र सहदोल फूलपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जी नेटवर्क कर्नाटक तमिलनाडु उड़ान तलोजा मध्य प्रदेश अब इसके विच हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच अब यह अगर आपने 2022 का प्रिलियम्स दिया था या पेपर देखा है तो आपको एक अलग से सेट ऑफ क्वेश्चन दिखा होगा जिसमें

तो इसमें कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? ओनली टू पेयर्स फर्स्ट टू ठीक है pairs, two, तो इसमें आप ये देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर दिया जो क्वेश्चन में पूछे गए ठीक है तो अब देखो इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ये आया था रेजरव और स्टेट हमने पाइपलाइंस पूछ ली है और लोकेशन पूछ लिया है और ये पेयर्स बताने आपने ठीक है नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अगेन रिपोर्ट्स एंड से तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो अभी लेटेस्ट आया है पिछले हफ्ते की बात है उसके ऊपर क्वेश्चन है इट इज अ अम्प्रीहेंसिव टूल फॉर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम लॉन्च बाई नीति आयोग या आयोगज बाई नीति आयोग हेंस जो हमने फ्रेमवर्क uh, पढ़ा था रिपोर्ट्स एंड इंडेज के लिए वो आ जाता है कर्नाटका ऑफ द इंडेक्स अब कोई भी इंडेक्स है उसमें स्टेट्स की कैटेगरीज बनाई जाती है पर्टिकुलरली इसमें आपको बता दिया अच्छा कर्नाटका ने जो है वो मेजर स्टेट्स में किया है चंडीगढ़ ने जो है वो यूनियन टेरिटरीज सिटी स्टेट्स में किया है तो अगर आपको इसका पता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग निकालता है ये तो बहुत बेसिक सी चीज है आपको पता होनी चाहिए ठीक है पर सेकेंड स्टेटमेंट में हो सकता है आप कन्फ्यूज हो बट दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है आंसर आपका सी हो जाता है ठीक है दिस इज दी आई बी से जहां से लिया गया था नेक्स्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इट इज रिलीज बाय नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पटिटिव फिर एडिशन ये वाला जो ट्वेंटी है दिस इज दर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स वॉट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इट इज अम्प्रिहेंसिव टूल फॉर दुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम ठीक है इट रैक्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेटरीज ऑन दर इनोवेशन परफॉर्मेंट टू बिल्ड हेल्थी कॉम्पिटिशन About the third edition the third edition highlights the scope of innovation analysis in the country by drawing on the framework of global innovation index after homework conical global innovation index who releases it please mention in the comment section con release cartel chicken the number of indicators has increased from 36 to 66 the indicators are now distributed across 16 sub pillars which

सेफ्टी एंड नॉलेज क्वेश्चन अभी है देपने की देपने की देपने ना हिस्टोरिकल या फैटिक पार्ट इंक्लूड कर दिया एक स्टेटमेंट में ठीक है करंट पार्ट में उसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल सा बैकग्राउंड डाल दिया तो पहला फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज एस्टैब्लिश इन पुडुचेरी आपको पता है तो आप कर सकते हैं नहीं पता तो यू कैन नॉट टेक स्टिल क्या कृषि दो हजार 2005 की बात है इज इट ऑफ 2005 तो हो सकता है यहां से जो है वो आंसर को क्रैक कर सके इफ नॉट फ्रॉम द वर्ड पुडुचेरी नेक्स्ट कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटीज आईसीआर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर ठीक है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इज एन इंटेग्रेल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम ठीक है तो अब मैं देखू ना तो क्या आपको लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा आपने इस टॉपिक को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा कि 2005 की बात है बिल्कुल भी नहीं 2005 तो बहुत पास है इन कम्पेरिजन टू दरिजिनल डेट तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है आंसर आ जाता है बी बी ठीक है तो फर्स्ट केवी के कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में हुआ था कहा पुडुचेरी में ठीक है तो पुडुचेरी करेक्ट बट द ईयर वॉज नॉट करेक्ट तो वो आपको करेक्ट ईयर नहीं पूछने का मेरा उसमें आई डिड नॉट यू टू बी अबाउट द ईयर मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या आपको पता है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो 1974 सेवेंटी में भी उसकी बात हो रही थी ऐसे नहीं कि वो इतना नया है 2005 जितना तो ये आपका बेसिक सा चेक करना था ठीक है एंड सैंक्शन टू ये हम देख चुके हैं फिर इसका एम क्या है कि असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर एंड एंड लाइट एंटरप्राइजेस

फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन स्टेब्लिश प्रोडक्शन टेक्नोजीज एंडग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड फार्माइजरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर मास मीडिया तो ये सब चीजें जो है ना ये टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें मैंडेट क्या लाना चाहते हैं कि हम इसमें टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करना चाहते हैं तो वो हम चीजें करेंगे कैसे जब हम फार्म पे टेस्टिंग करेंगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे या जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे हम सेंटर लगाएंगे तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम एक टेक्नोलॉजी का और डेमोस्ट्रेशन का ला पा ला पाएंगे तो उसी से कृषि विज्ञान के अंदर जो है वो पूरा होगा तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म जिसके अंदर हमने तेरह क्वेश्चन वो वगैरह रिपोर्ट वगैरह थी वो हमें दी तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है आपको करियर से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है और आपको किस का खोजना है ये फोर्थ इमेज इसके अंदर जो आपके फेस बॉक्स हो गया तो विद दिस सेड जो मैंने आपको काम दिया था कि आप जो प्रिपरेशन क्वेश्चन आज की क्लास में थे उसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो भी आपको बीच में होमवर्क दिया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है वो भी हम मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेजें आपको कोई समस्या है आपको कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उन्हें बताइए स्टोरी एंड अगेन जो है थैंक यू